चलिए तो बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये नया चैप्टर है, तो नए चैप्टर की जो फाउंडेशन है आज तो उसी पे काम हो पाएगा। जी हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में समझाऊं। पहले टर्म किसको कहते हैं, आज तो मेरे ख्याल से मेरा पूरा ज्यादा समय इसी पे लगने वाला है, टर्म को डिफाइन करने में ही पूरा समय लग जाएगा। अब कर्व आ जाएगा तो कर्व के बाद लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। आप लोग इसे ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन इंटीग्रल को ही कंटूर इंटीग्रेशन भी कहते हैं कई बार। और यहीं से हम लोग वाइंडिंग नंबर के बारे में पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में नई चीज आएगी वाइंडिंग नंबर क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करें, क्रॉसिंग इंटीग्रल फॉर्मूला और बाकी फॉर्मूलों में, तो हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन के कुछ फीचर हैं मेरे ख्याल से इसी में, यूनिटनेस आइडेंटिटी थ्योरम आईडी है, टेलर सीरीज आईडी, लॉरेंट सीरीज आईडी, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो खैर हम इन पर एक एक करके आते जाएंगे। तो जो पहला हेडिंग हमारा होना है अभी, हम उसे लिखते हैं टर्म्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये हेडिंग डाल लीजिएगा टर्म्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कर्व किसको कहते हैं मैथ्स में, ज्योमेट्री के हिसाब से तो हम समझते हैं कर्व, थोड़ा सा एनालिसिस में हम उसको क्या बोले, कर्व कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना? यस यस सर। तो ये नाम है अलग अलग, मैं यहां से कंटिन्यूस कर्व की बात करता हूं मैं, और कंटिन्यूस और हम सरल शब्दों में कहूं तो सिंपल भाषा में मैं ऐसे लिख देता हूं आपके समझने के लिए, और सिंपली और कर्व, या फिर और आसान करो और पाथ, ये ही चीजें टोपोलॉजी में भी हेल्प करेगा आपको बच्चों ये सारी चीजें। तो कोई कंटिन्यूस कर्व है या खाली कर्व कह दो या पाथ कह दें, और मैं ये रियल में पढ़ेंगे तो आर कहेंगे, अभी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो इन सी कह रहा हूं। तो ये किसी भी क्लोज इंटरवल से सी में फंक्शन है, इन सी जैसे लिखें, ठीक है, इज अ कंटिन्यूस मैपिंग, कंटिन्यूस मैपिंग। कॉम्प्लेक्स में सब जो हम ड्रामा सिंबल यूज करते हैं, तो मैं भी ड्रामा ले रहा हूं, फ्रॉम अ क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ आप कहेंगे ऐसा अलर्ट से लिखने की जरूरत है, सीधे बना लेते, कॉम्प्लेक्स में क्लोज इंटरवल का नॉर्मली मीनिंग टर्म आता है तो इसलिए बताना पड़ा, क्लोज इंटरवल ए बी, ए और बी रियल नंबर होंगे और ए छोटा भी होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ए और बी रियल नंबर है। यहां से फंक्शन कहां तक, इनटू सी, दैट इज ड्रामा इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड दिस इज कंटिन्यूअस, ये कहा गया भाई, इतना समझ बाकी लैंग्वेज हो। इस ऐसे फंक्शन को पाथ कहते हैं, पाथ समझ में आ गया कभी भी, अगर क्योंकि हम पाथ ज्योमेट्री में तो बनाते रहते हैं, ये पाथ है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ये सब चीजें, लेकिन पाथ में डिफाइन करो कह दिया तो वो ये है। अच्छा, ड्रामा की वैल्यू फंक्शन ड्रामा एफ की जो पर है फंक्शन की जो, तो एफ ए और एफ बी होता था, यहाँ ड्रामा ए ड्रामा बी वो एंड पॉइंट माने जाएंगे। सारी चीजें लिख लेते हैं यार इन चीजों को, हियर ड्रामा ए ड्रामा बी आर कॉल्ड
इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स या फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द टर्म, ट्विस्टेड टर्मिनल पॉइंट रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा। ये पहला और लास्ट है, वो कॉमन चीज है। कई बार हमको बच्चों चुटिए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ज्यादातर हम पैरामीट्रिक ही करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस कर्व ग्रामा ग्रामा t इक्वल टू, हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, एच टी आई टाइम्स वाई टी, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, जहां बच्चों जो t पैरामीटर है वो क्लोज इंटरवल ए बी का होगा, एच टी और वाई टी फंक्शंस हैं। आप इसे फाई और साई टाइप का भी ले सकते थे, वेयर एच टी एंड वाई टी आर ट्रेसिव फंक्शन है और कंटिन्यूस और रियल वैल्यूड, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल। अब आप कहेंगे सर ये ए बी जैसा इंटरवल है, तो ए बी जो बच्चों हम पैरामेट्रिक इंटरवल कहते हैं। यहाँ पर ये सब टर्मिनोलॉजी सीखनी है। हियर क्लोज इंटरवल ए बी इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक इंटरवल मेरे ख्याल से कर्व के बारे में इतना काफी है। समझ में आया या कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया हो? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसको हमने रियल इमेजिनरी तोड़ा, तो यहाँ एच टी वाई टी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, फंक्शंस हैं, सिंबल अलग अलग हैं, तो मैं वैसे ही यूज कर ले रहा हूं। सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। हाँ तो ठीक है बच्चों, यहां से फिर अगला जो पॉइंट आता है कि क्लोज कर्व किसको कहेंगे, क्योंकि क्लोज सेट तो ठीक है, क्लोज कर्व किसको डिफाइन करेंगे, तो क्या कहेंगे हम उसके लिए? जिससे इनिशियल और एंड गामा ए और गामा बी बराबर हो जाए, यहाँ तो फिर ए और बी मतलब गामा फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए ए और बी पर, तो इसका मतलब घूम फिर गया वहीं पहुंच गया। चाहे क्लियर है सबको जी, इसको क्लोज रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जी कर्व उससे पहले भी कई जगह एक दूसरे को काट रहा हो, हमें मतलब नहीं है, बस वो लास्ट में यही पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था टाइप। ऐसा नहीं है जो पहले कहीं ड्रामा ए ड्रामा बी पर ही बराबरी हो सकती है और कहीं बराबरी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा है मैंने। तो मैं लिख रहा हूं अफ्टर ड्रामा विद पैरामीट्रिक इंटरवल, तो इसको आराम से समझिएगा और याद जरूर करिएगा, क्योंकि डेफिनेशन है तो याद करनी पड़ेंगे पैरामीट्रिक इंटरवल, तो चीजें बाद में आसान होंगी। इसके बाद ए बी सच दैट ड्रामा ए इक्वल टू ड्रामा बी
हम ऐसा मान लें स्ट्रॉल और क्लोज्ड। तो अगर कभी पूछा और आपने कहा ड्रामा है इक्वल टू ड्रामा भी, तो क्लोज टर्म है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ए और बी पर ही ड्रामा बराबर हो सकता है या कहीं और भी बराबर हो सकता है। तो बच्चों यहां देखो, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट पे दो वैल्यू बराबर हो जाएंगी या नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और भी बराबर हो, हमने एंड पॉइंट का कंपल्सन किया है बस। नेक्स्ट आता है जॉर्डन कर्व। पहले जॉर्डन आर्क की बात कर लेते हैं यार, फिर आर्क से कर्व पर जाएंगे। ये ट्रेमली जॉर्डन के नाम पर है, ये महान मैथमेटिशियन रहे हैं। जॉर्डन साहब का जबरदस्त रोल है अपने आप में। कहीं पढ़ा जॉर्डन साहब का कोई और काम? ट्रेमली जॉर्डन का जॉर्डन कौन नहीं निकल लीनियर अलजेब्रा में, और जॉर्डन होल्डर थ्योरम भी है ग्रुप थ्योरी में एडवांस लेवल पे। मैंने नहीं पढ़ाई है, उतना आगे गया ही नहीं था मैं, क्योंकि बीएससी के बच्चे ज्यादातर थे। अब पीजी वाले आ जाएंगे तो पढ़ा देंगे। तो ट्रेमली जॉर्डन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से रहे हैं, तो इनके नाम की स्पेलिंग जे से शुरू होती है। दुनिया में देश भी है जॉर्डन, उसकी कहां से शुरू होती है? जेड से, जॉर्डन। आपने नाम सुना होगा। यस सर। तो जॉर्डन आर्क किसको कहते हैं देखिएगा, अगर मेरे पास कोई जो ड्रामा अभी आया वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे, वन वन हो, तो उसे जॉर्डन आर्क कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से कह लेते हैं, इफ ड्रामा टी इज वन वन, बाकी प्रॉपर्टी तो रहेंगी, बस अगर वन वन हो जाए, दैट इज, मैं ऐसे समझा भी देता हूं, फॉर टी वन टी टू दो डिफरेंट टी ले लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट ड्रामा टी वन टी टू सच दैट टी वन इज नॉट इक्वल टू टी टू एंड ड्रामा टी वन इक्वल टू ड्रामा टी टू। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन वन है तो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया फिर भाई। अगर कोई भी दो डिफरेंट टी ले लेते हैं तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट आनी चाहिए, दैट इज वन वन। अगर ऐसा है देन ड्रामा टी इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क। मतलब ये हुआ कि ये जॉर्डन आर्क है, क्या ये भी जॉर्डन आर्क है नीचे वाला? नो सर, नीचे वाला नहीं। सरल शब्दों में समझना हो तो वो आपस में इंटरसेक्ट जैसा ना कर जाए। तो जॉर्डन आर्क क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा यार, ऐसा कोई एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ड्रामा टी ले लेते हैं, ई टू द पावर आई टी और टी बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। ये ले लिया हमने, तो ये जॉर्डन आर्क हुआ नहीं? क्यों बच्चों, क्रॉस टी प्लस आई साइन टी बन जाएगा इससे? सर्कल ट्रेस हो जाएगा या नहीं, सोचिए तो। यस सर।
ये आप यहाँ बढ़ाते रहोगे वहां वो सर्कल में घूमता रहेगा, तो जो बनेगा वो सर्कल बनेगा जीरो से पाई तक। जीरो ले लिया, हाँ वैसे तो टू पाई नहीं था, फाई था ना, मैं क्लोज भी ले लेता तो क्या बिगड़ जाता, तो मैं क्लोज ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है इससे आपको? भी खाली काटपीट करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जॉर्डन है, सेमी सर्कल बन जाएगा, अपर सेमी सर्कल। यस सर। तो ये बच्चों आपके पास टी जो है थीटा समझ लो, इटी पर आई थीटा कॉस थीटा आई साइन थीटा, तो ये आपका सर्कुलर वे में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं जॉर्डन आर्क ना लेके जॉर्डन कर्व कहूं तो इसका क्या मतलब होता होगा आप सोचो? अगर मैं एंड पॉइंट आइडेंटिकल कर दूं, एक जॉर्डन आर्क है जिसके एंड पॉइंट क्या हो जाए, ये तो इसे क्या बोलेंगे आप? जॉर्डन कर्व। तो लिख लेते हैं इसको, हाँ इसको आर्क तो है ये, तो अ जॉर्डन आर्क ड्रामा सच दैट ड्रामा ए इक्वल टू ड्रामा बी इज कॉल्ड अ जॉर्डन कर्व। तो ट्रिस्टो जॉर्डन आर्क बोलते हैं, ट्रिस्टो जॉर्डन कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉर्डन डोमेन। ठीक है, मेरे पास कोई डोमेन है और उस डोमेन को हमने जॉर्डन कर्व से बाउंडेड कर रखा है बाहर से ज्योमेट्रिकली सेंस समझ, तो उस डोमेन को जॉर्डन डोमेन कहते हैं। मैं ऐसे लिख लेता हूं, और डोमेन डी बाउंडेड बाय अ जॉर्डन कर्व बाउंडेड बाय जॉर्डन कर्व हो गया, इतने डेफिनेशन है, स्ट्रॉल बाकी तो फैब्रिकेशन है, और जॉर्डन डोमेन। केवल इंफॉर्मेटिव ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा कोई मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, समझ में आ ही रहा होगा? यस सर। यस अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली हो रही है कि हम लोग कहीं पर पूछते हैं अगर कि यार ये ड्रामा टी क्या है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं किसी पॉइंट टी पर ये ड्रामा कर्व पर कोई पॉइंट है, लेकिन बेसिकली बच्चों ये इमेज है ड्रामा टी सी पर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सरल शब्दों में ऐसे लिख देता हूं, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ये शब्दों को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स बहुत आसान होगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चों को कॉम्प्लेक्स की टर्मिनोलॉजी पता नहीं चलती, क्या बोला क्या लिख दिया यार ये समझ नहीं आता, तो हम पहले इसीलिए एक एक शब्द पे जा रहे हैं। जनरली वे रेफर टू द पॉइंट, जैसे ड्रामा टी है ना कोई पॉइंट ड्रामा टी एच, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं बच्चों, मैं ऐसे इन्वर्टेड में लिख रहा हूं, अ पॉइंट ऑन द कर्व ग्राम, अ पॉइंट ऑन द कर्व ग्राम। अः
स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर बिल्कुल सही एक्यूरेट करें तो ये क्या है, ये थोड़ा अलर्ट मीनिंग है, STRICT है यार, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसे समझ लीजिए। ग्रामाटी जिसको हम कह रहे हैं ना, इज ऑन, इज ऑन द इमेज ऑफ द मैपिंग मैपिंग ग्रामा ग्रामा इन सी ऐसे ले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रामा का अगर क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर इमेज देखेंगे तो वो ये सेट आएगा ना ग्रामा टी टाइप का, सच दैट टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, हर पॉइंट की जो इमेजेज आएंगी वो कलेक्शन होगा। तो जो ग्रामा टी इमेज है उन्हीं में से कहीं पर ग्रामा टी भी होगा ना, एक एज अ सेट नोटेशन समझिए प्लीज। यार ये टफ तो नहीं लग रहा है, यह समझ में आ गया सबको? आ गया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं तो इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे में छोटे छोटे और पॉइंट्स पे लिखाऊंगा, दूसरा पॉइंट लिखा देते हैं। कोई दो इंटरवल दिए हुए हैं ना, और डिफरेंट इंटरवल, पैरामीट्रिक इंटरवल, कॉम्प्लेक्स में तो पैरामीट्रिक ही बोलेंगे, तो पैरामीट्रिक इंटरवल में फिर आप रिलेशनशिप कैसे लाएंगे, दो डिफरेंट इंटरवल में फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी तब जब बहुत एलिमेंट्री लीनियर फंक्शन टाइप का, तो हम ऐसे लिख देते हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, वी रिगार्ड अ कर्व, किसी कर्व को आप ऐसे भी कह सकते हैं, एज द रेंज ऑफ अ कंटिन्यूअस हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोई भी इंटरवल है तो ए भी ले लेते हैं। कर्व आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कर्व इज अ रेंज ऑफ अ कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन, शुरू में भी यही था। तो अगर मैं कोई दो इंटरवल ले लू, जैसे पैरामीट्रिक इंटरवल, इफ ए बी एंड सी डी ऐसे ले लीजिए, आर टू क्लोज्ड, आर टू क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स, बाउंडेड इंटरवल्स, इंटरवल में आर में ले रहा हूं लीजिए आर, देन मैं बहुत आसान ले रहा हूं, देन बाय लेटिन, कोई मान लिया मैंने कैपिटल ग्रामा टी इक्वल टू, मान लेते हैं ए टी प्लस बी ले लेते हैं, ऐसा फंक्शन ले लिया विद जो ग्रामा ए पर है वो सी के बराबर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ड्रामा बी पर जो ले रहा हूं वो स्ट्रीम में टी पर जा रही है मान लीजिए, तो क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? तो मैं ए और बी डाल सकता हूं, दिस इंप्लाइज ड्रामा ए हमारे हिसाब से हो जाएगा ए ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू दे रही है सी ड्रामा, अरे अरे अंदर नहीं लिखना था, ड्रामा बी ए बी प्लस बी टू डी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं सीधे उठा देता हूं उसको, ए आ रहा है सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी, और बी आ रहा है ए डी माइनस बी सी अपॉन ए माइनस बी,
तो फिर आप ये कर सकते हैं कि गामा टी जो ऊपर लिखा था सी ए टी जो सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी इंटू टी प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन ए माइनस बी। तो यार एक बात बताइए, इसका मतलब मैं कोई भी दो इंटरवल में लीनियर फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं ऐसे जहां इनिशियल पॉइंट मैच कर रहे हैं? यस सर। ठीक है ना, अरे समझ में तो आ रहा है, लीनियर है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ या नहीं? लीनियर है यार, वैसे ही समझ लो लाइन है, दिस इज अ लाइन। कभी दो बार कट सकती है क्या? नो सर। वैसे ही सोच लो ना, मेनी वन वन वन, दिस इज अ बाइजेक्टिव एंड एट चीज और लिख रहा हूं, बाई कंटिन्यूअस मैं आप लिख दू क्या होता होगा ये सोचो तो। बाई कंटिन्यूअस का मतलब ये तो कंटिन्यूअस है ही, इसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन का इनवर्स भी लीनियर होता है या नहीं? Yes, बच्चों ये लीनियर है तो एट्स आ जाएगा वाई माइनस बी अपॉन ए, वन अपॉन ए वाई माइनस बी, एफ इनवर्स वाई टूडो एफ एट्स हुआ तो एट्स एफ इनवर्स वाई हुआ या नहीं? तो एफ इनवर्स एट्स वन अपॉन ए एट्स माइनस बी। अगर ऊपर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नीचे वाला भी कंटिन्यूअस है, ये भी तो लाइन है लीनियर है। तो ऐसे फंक्शन को अगर कोई फंक्शन इन जनरल समझिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है तो उसे क्या बोल सकते हैं आप? बाइजेक्टिव आप जानते हैं वन वन ऑन टू, बाई कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया, तो ये लीनियर था तो ये बाई कंटिन्यूअस है। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अभी इतना ही करते हैं इसको, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं अभी रिवर्स डायरेक्शन में। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे सुबह से फोन साइलेंट किया हुआ है, नॉन स्टॉप फोन आए जा रहे हैं, मैं सभी से बात भी करूं तो भी टाइम लगेगा मुझे, तो आज मैं दूसरा सेशन नहीं लेता यार, इतना ही रखते हैं आज, कल मिल फिर मैं कल के बारे में बताता हूँ शाम तक। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।